12 की कॉपी निकाल, वो क्लियर में क्यों तोड़ेगा? क्योंकि तो आपने उसको कलर चेंज करने के लिए नहीं कहा, आपने उसको ये नहीं कहा कि ये धाक धब्बे मिटा दो, आपने ये नहीं कहा कि मेरे शर्ट का कलर पीला है उसको स्कूल ड्रेस में कर दो। जब आपने इसको कुछ बदलने के लिए नहीं कहा तो लेयर में क्यों तोड़ेंगे? मेरा काम अभी कितना है, फोटो 12 को निकाल देना, हाँ या ना? तो हमें सब में क्यों जाए? लेकिन अब टारगेट ये आता है, उससे फीस भी तो बढ़ेगी, केवल 12 प्रिंट करना है तो पर कॉपी के हिसाब से जो उसका चार्ज होता है आपने सुना होगा, 6 का 20, 30 का 20, ऐसे करके आपको कोई पैकेज बताता है, आप हाँ करते हैं कहानी खत्म हो जाती है। अब आपने सुनो कहा कि नहीं, मेरा यह शादी में खींचा हुआ फोटो है और इसमें मेरे को व्हाइट शर्ट और टाई लगाना है, इज इट ओके? अब वो कहेगा कि नहीं, मैं 70 रुपये 50 रुपये, बिकॉज अब वो आपके उस फोटोग्राफ को लेयर में डिवाइड करे। फोटोशॉप इसके लिए पहले से टूल के साथ तैयार है, वहां बस सेलेक्ट करना है, लेयर में जाना है, मल्टीपल लेयर कीजिएगा, लेयर बट जाएगा, ऐसा नहीं कि अब ऐसा से छिटक जाएगा, अब आपको मल्टीपल वो खुद डिवाइड कर लेगा कि इस फोटो में 4 लेयर है 3 लेयर है 2 लेयर है, जो उसकी पॉसिबिलिटी होगी उतनी। क्लियर है? जैसे अगर हम यहां से देखें तो मुझे केवल मेरी आंख से केवल एक कैनवास बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, दैट इज ग्राउंड। लेकिन फोटोशॉप की आंख से अगर हम देखें तो बीच का मुंडेर, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, रेलिंग, फिर 3 खंभे, हल्की सी ये वाली छत जो जिसपे हम लोग असेंबली करते हैं, ग्राउंड, 3 गाड़ियां, 1 कार, पीछे खेलते बच्चे, उसके स्विंग, 6 पत्ते, कई सारे लेयर हैं। अब अगर वो अगर ऐसा वो लेयर नहीं डिवाइड करेगा, उसको थोड़ी मान लिया कि आप पत्ता ठीक करने जा रहे हैं कि गाड़ी का पहिया ठीक करने जा रहे हैं, या ना? तो जितना डेंस फोटो उतना टफ जॉब, जितना इजी फोटो उतना इजी वर्क, एनी डाउट? मतलब अभी जैसा अगर आप यहाँ से मेरे क्लास खत्म होने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि सारे पत्ते लगभग अनकलर्ड हैं, क्योंकि पतझड़ का मौसम आ गया है। अगर आपके बैकग्राउंड में दिखाना है कि नहीं मैं किसी जंगल में सदाबहार जगह में घूम रहा हूँ, सीनरी बड़ी अच्छी है, और बीच के सारे पार्ट को हटा देना, तंबा ग्राउंड ये सब, सब में उसी के लेयर को कॉपी करके आप इसको जंगल बनाओ, इट इज पॉसिबल इन फोटोशॉप, सो दैट इज कॉल्ड एल्बम डे। मतलब कहीं अगर आपने किसी को पहाड़ पर बैठे देखा है, पहाड़ पर बैठे देखा है और उसका उत्तराखंड में हो गया था या कश्मीर में गया था, वो उसने आपको स्नैप शेयर किया था, अब आप मुझे आके कहते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि इसके जगह पर मैं बैठा हुआ दिखाई दूं,